नफी। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो बाबा तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमसे ऐसे छुप कर मत रहिए। नफी को गुड्डा बना दिया है उसने। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। साय के जादू को पलटने के लिए यह रस्म हमें अभी शुरू करनी होगी। ये काम कोई आसान बात नहीं है, बहुत खतरा है इसमें। कैसे पिलाऊं ये जहर से मिजान को? कुछ तो सोच लीफी, कोई तो रास्ता होगा। क्या हुआ लीफी, तुम इतनी मायूस क्यों हो? फिक्र मत करो, हम तुम्हारा पीछा इतने जल्दी नहीं छोड़ने वाले। हम तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे। गुलरेज, मैं अकल के दरवाजे की बात कर रहा हूं। ये सुई सिमी जान को मारने का हथियार बनेगी। ये जहर वाली सुई मैं सिमी जान को चुभा सकती हूँ। इसके चुभते ही वो फौरन मर जाएगी। इसे मैं छुपा भी सकती हूँ, इसे कोई शक भी नहीं होगा। लेकिन अगर शक हो गया तो वो बहुत शातिर है। उसके पहले भी वो मुझे शक की निगाह से देख रही थी। अलीफी, सिमी जान को मार सकती है। तुझे सिमी जान को मारना ही होगा। अपने घर वालों को बचाने के लिए तुझे उसे ये जहर वाली सुई चुपानी होगी। मिशन कहाँ गई? भाभी, आप हो? आप मैंने डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? तू मुझे मारने की कोशिश कर रही थी ना? नहीं भाभी, मैं क्यों आप पे हमला करूंगी? वो तो आपकी आहट सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा कि साया है। पूरे परवाज में ऐसी दहशत फैला रखी है कि थोड़ी सी भी आहट से दिल दहल जाता है। अरे मेरा दिल तो मेरी गरीबी पर दहलता है। वो तो अच्छा है, अच्छा है हमारे घर में वो सिमी जान नाम की बंदरिया है, जिसके चक्कर में वो लंगूर अब्दाली हमें अंगूर खिला रहा है। पता नहीं उसके जाने के बाद हमारा क्या होगा। अरे हमें तो सूखी मूंगफली भी खाने को नहीं मिलेगी। और वाली वाली का भी कुछ अता पता नहीं है। कहाँ है वो भाभी? मुझे क्या पता कहाँ है वो शहजादा। जिम्मेदारियों से भागना तो कोई अली से सीखे। नहीं भाभी, बाबा नहीं, सिमी जान, वो कहाँ है? यही कहीं होगी वो भी। अलीफी, ये बात सुन, हमें ना सिमी जान का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो देसी नहीं विलायती मुर्गी है। अगर हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे ना तो उसका मुर्गा अब्दाली हमें रोज सोने के अंडे देता रहेगा। बाबा, हर बार मैं सिमी जान को मारने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो बच जाती है। इस बार आप मेरे साथ रहना बाबा, सिमी जान को मारने में मेरी मदद करना।
मैं ठीक हो गया। या खुदा, हम लोग फिर से इंसान बन गए। बेटा, आप ठीक हो गए हो? भूख लगी है, कुछ खाना है? नहीं। फिर और कुछ क्या चाहिए? मुझे मेरे बाबा चाहिए, मेरे अली बाबा। अब कहाँ हो बाबा? वापस आ जाओ ना, मुझे आपकी जरूरत है बाबा। आपके घर वालों को आपकी जरूरत है बाबा। बाबा, जिसे देखकर शैतान भी सहम जाते, वो आज इतना क्यों सहमा सा लग रहा है? इस फौलादी जिस्म में एक मोम का दिल महसूस किया है मैंने। लोगों को तकलीफ में देखकर आपको भी बहुत तकलीफ होती है, पर जब उस बच्चे ने अपने बाबा का नाम पुकारा तो आप इतना क्यों सहम गए भाईजान? क्या रिश्ता है उस बच्चे के साथ आपका भाईजान? बताइए बताइए, कौन हो आप? सही वक्त आने पर पूरी दुनिया जानेगी कि मैं कौन हूं, लेकिन अभी वक्त आगाज को अंजाम देने का है। मैंने सवालों से आगाज कर दिया है, अब जवाबों से अंजाम कर दीजिए। कुछ नहीं तो भाईजन, बस आपका नाम बता दीजिए। हाँ, ये देख, गरम गरम नान खा ले। जिद मत कर, तेरे खाना नहीं खाने से अली वापस थोड़ी ना आएगा। मैं कैसे खाना खा लूं भाईजान? पापा के बिना ये घर पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम लोग साथ में खाना खाते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, लेकिन अब मुझे अकेले खाना खाना पड़ रहा है। मेरा भाई भी नहीं है मेरे साथ। साई ने नफी को भी पुतला बना दिया। बाबा तू कहाँ है यार? तेरे बिना सिर्फ तेरे बच्चे नहीं, मैं भी अजीब महसूस कर रहा हूं। तू जल्दी वापस आ जा यार, जल्दी आ जा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सिमी जान को मारना ही होगा। वो लोग जा रहे हैं यहाँ से। मैंने सोचा उनके जाने से पहले तुम उन्हें एक बार देखना चाहोगे। क्या भाईजान को जानते हो? क्या नाम है उनका? दरअसल शैतानों के साथ लड़ते लड़ते मैं उनका नाम पूछना ही भूल गया। बताइए ना, क्या नाम है उनका? कहाँ से है वो? कौन है? नसीब अच्छा है तुम्हारा, शायद तुम्हें आज ही पता चल जाएगा तुम्हारा ये भाईजान कौन है और क्या नाम है उनका। शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी जान बचाई। हमें तो लगा था कि शायद ही हम कभी इंसान बन पाएंगे। अच्छा हुआ मैं वापस इंसान बन गया, वरना इतना मीठा शरबत कैसे पी पाता। ये शरबत नहीं है, पानी है। ये जगह इतनी शुद्ध है कि यहाँ का पानी भी शब्द जैसा लगता है। मैं इन बच्चों को परवाज लेकर के जाता हूँ, हमारे परिवार वाले हमें वापस देखकर बहुत खुश होंगे। परेशान मत होना बेटा, तुम्हारे बाबा जहाँ कहीं भी होंगे सही सलामत जल्द ही वापस लौटेंगे। ये मेरे दिल की आवाज है। दिल से तो मेरे भी यही आवाज आ रही है। चलिए मैं बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, आइए। चलो बच्चों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बाबा मेरे आसपास ही है? चलो बेटा। घबरा मत लिफी, हिम्मत हिम्मत दिखा।
अली, ये नाम न जाने बाहर कितने लोग ले रहे हैं, तुम्हारे इंतजार में लोग नाउम्मीद हो रहे हैं। आखिर कब आएगा अली वापस अपने लोगों के पास? आखिर कब उनके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाएगा? आखिर कब उन्हें यकीन होगा कि अली उन्हें छोड़कर नहीं गया है? मैं कभी उन्हें छोड़कर नहीं गया। मैं तो बस अपना मकसद पूरा करने के लिए उनसे दूर रहा। वो मकसद जिसको पूरा करने के लिए मैं खुद दोज़ख की आंख में जलाऊं, तूफान और बवंडरों का सामना किया ताकि उन मासूमों को इंसाफ दिला सकूं जिनकी जिंदगी शैतानों ने बर्बाद कर दी है। याद तुम अपने दिल में कब से चलाए बैठे हो? कब से तुम उन शैतानी शक्तियों को खत्म करके दुनिया में अमन और सुकून लाना चाहते हो? तो बताओ, कब देखेंगे हम अली को? कब आएगा अली दुनिया के सामने? सही वक्त आने पर। मैं अभी वापस नहीं जा सकता। उस तूफानी बवंडर ने मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान लाया है कि उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। खुदा का शुक्र है कि मैं आप लोगों को मिल गया। गुरुजी, गुरुजी वो देखिए, लगता है किसी ने जान से मार के फेंक दिया है। चलो चल कर देखते हैं। उस खतरनाक तूफान ने मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरा वजूद, सब कुछ बदल दिया है। मैं वो अली नहीं रहा, मैं अब कोई और हूं। इसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। इस चेहरे के साथ ये दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। एक नई जिंदगी के लिए इसे अब एक नए चेहरे की जरूरत पड़ेगी। वजूद कभी बदलते नहीं है, तकदीर उसे किसी खास मकसद के लिए बदलती है। तुम्हारा तो सिर्फ चेहरा बदला है, तुम्हारा दिल, तुम्हारे जज्बात नहीं। तुम आज भी वही अली हो, एक चापास और नेक दिल बंदा जो इस दुनिया से शैतानी शक्तियों को खत्म कर सकता है। अली को वापस आना होगा। अली, तुम्हारा चेहरा जो पूरी तरह से जल गया था, अब वो ठीक हो गया है। अब ये पट्टियां हटाने का वक्त आ गया है। आज तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखेगी अली का नया चेहरा। क्या हुआ खबीज और मरीद को? वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा मुझे कि उन्होंने अली को मारा या फिर अली ने? मुझे फौरन वहां जाना होगा। सिमी जान, आज एक छोटा सा हथियार इंसान और शैतान की जंग में सबसे बड़ा घाव करेगा। इंसान के एक चेहरे में छुपे होते हैं कई चेहरे। चेहरा दर चेहरा बदलता है इंसान, पर जो वो कभी नहीं बदल सकता वो है उसके कर्म, उसका इतिहास, उसके किए हुए वादे,
उसके दिए हुए ख्वाब। तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे चेहरे का मोहताज नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हासिल है। तैयार हो जाओ अपना नया कल लिखने के लिए, कि अपने वादे, अपनी जिम्मेदारियां, अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए। बड़ी किस्मत से मिलता है इंसान को दूसरी बारी खेलने का मौका, इस मौके पर खरा उतरना अब तुम्हारे हाथ में है अली बाबा। शायद कुछ कर्म बाकी रह गए थे तुम्हारे इस जन्म के, वरना हर किसी को नहीं मिलता दूसरा मौका। कैसा लग रहा है नया चेहरा? अली का सिर्फ चेहरा बदला है, मकसद नहीं। अब इस नए चेहरे के साथ ही नया अली पूरी करेगा दास्ताने का वो दास्ताने का। ये चोट का निशान, ये निशानी है बहादुरी की, ये निशानी है बुराई के खिलाफ लड़ने के जज्बे की, ये निशानी है इस बात की कि आज जन्म हुआ है एक नए अली का। अली, अली बाबा, अली बाबा। दुनिया से शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए एक बार फिर से दुनिया के सामने आने को तैयार है नया अली। ये नया अली डरेगा नहीं, ये दुश्मन को धूल भी चटवाएगा और अपनों को गले भी लगाएगा। सुभानअल्लाह, बहुत खूब। एक ही जिंदगी में दो दो जिंदगी जीने को मिली और दूसरी जिंदगी पहले वाले से भी और भी बेहतर। दिल खुश होगा भाईजान आपका ये नया चेहरा देखकर। ये वक्त खुशियां मनाने का नहीं है बल्कि उनकी खुशियां छीनने का है जिन्होंने परवाज़ की आवाम को रुलाया है। अगर मुझे यह नया जन्म मिला है तो बेशक किसी मकसद की वजह से, अली बाबा वापस आ गया है सिमसिम, उन सभी जुल्मों का हिसाब लेने के लिए जो तुमने काबुल के मासूम और कमजोर लोगों पर डाले हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.